हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे मेथी की मटरी। तो यहाँ पर मैंने मेथी कट करके वॉश करके रख दिया था। अब मैं यहाँ पे तड़का दे रही हूँ थोड़े से घी में। उसको पानी उसका सुखा देना है, फिर यहाँ पे हम आटा प्रिपेयर करेंगे। आटे में मैंने लिया है गेहूँ का आटा और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूजी, थोड़ा सा रवा, थोड़ा डालना है, एकदम क्रंची आए, अच्छा आएगा उससे। यहाँ पर फिर मैं डालूँगी अजवाइन। उसको अजवाइन को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आपकी मर्ज़ी, आपको कम ज़्यादा जैसे डालना है आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हमको इसका टेस्ट पसंद है। देखो मैंने हाथ से क्रश कर लिया, अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, डाल दिया मैंने। अब हम यहाँ पर डालेंगे जीरा, जीरे को ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी जीरा। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च आ गई थी, एक दो ही निकाल रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग, वो बहुत अच्छा होता है। मैं हर एक खाने में हींग यूज़ करती हूँ, मेरी आदत है। मैं यहाँ पर मिक्स कर डालूँगी हल्दी, हल्दी पाउडर डालना है। उसके बाद फिर लाल मिर्च डालेंगे हम, लाल मिर्च का पाउडर जो थोड़ा सा डाला है मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। ये मैंने बच्चों के लिए खास करके बनाया है, चाय के साथ मम्मी क्या खाऊं क्या खाऊं, इसलिए मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर हमने अभी डाला है नमक, नमक स्वाद अनुसार डाले अपने। फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मोयन के लिए घी। अब यहाँ पे मैंने जो मेथी सुखा के रखी थी हमने ऐड किया है इसमें, मेथी जो हमने जिसका पानी सुखा लिया था वो ऐड करेंगे हम पहले। उसके बाद फिर हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है हाथ से, एकदम अच्छे से मोयन देना है उसका, जो हमने घी डाला था वो पूरा सब मसाले को मिला के एकदम अच्छे से उसको रखना है। अच्छा मिक्स हो गया, देख रहे हो आप, मिक्स कर रही यहाँ पे अच्छे से, एकदम मिक्स हो जाए अच्छे से एकदम सारे मसाले, और ये पूरे मिक्स करने हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया है। अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट रेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी ऐड करना है। फिर उसको हमको एकदम क्रीम टेक्सचर में बनाना है। देखो मैं मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे घोलना है उसको एकदम अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छा रेडी है ये। अब मैं यहाँ पर लोई बना ली हूँ, इसको अब हम बेलेंगे, बेलते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। तो यहाँ पर देखो मैंने ना कॉर्नफ्लावर लिया है, नॉर्मल आटा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा उसको डाल के तब इसको हम बेलेंगे। इससे हम बेल भी लेंगे, ज़्यादा आटा भी नहीं लगेगा। इसको एकदम अच्छे से बेलना है, बड़ा एकदम, जितना बड़ा हो सके। फिर यहाँ पर हमने लगा दिया है ये जो हमने बना के रखा था कॉर्नफ्लावर का, कॉर्नफ्लावर और घी का जो क्रीमी टेक्सचर बना के रखा है हमने वो। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो इसको ऐसे फोल्ड करना है, अच्छे से एकदम फोल्ड करेंगे। अब इसको हम इसी तरह से बेल लेंगे। अच्छा फिर इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाला है ताकि वो चिपके नहीं। इसको स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। देखिए इसको एकदम अच्छे से बेलना है, ज़्यादा पतला मोटा नहीं होना चाहिए, एक ही जैसा रहना चाहिए। यह ऐसे ही बेलेंगे ताकि हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, यहाँ से कट वहाँ से कट। फिर हम उसको लगाएंगे अब वापस से, फिर से हमने लगा दिया है इसको, अच्छे से एकदम स्प्रेड करेंगे लगा के। और अब हम फिर से वैसे फोल्ड कर लेंगे एग्जैक्ट ऐसे। हम इसलिए ऐसे बार बार फोल्ड कर रहे हैं ना ताकि हमको उसका जो लेयर है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे बाहर मिलता है ना, आपने खाया होगा मेथी की मटरी, बहुत अच्छा बनेगा। फिर अब हम इसको इसी तरह से बेल लेंगे, बहुत ही यम बनेगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है। फिर हमने बेल लिया, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे,
एग्जैक्ट। अभी ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ पे दो फोल्ड करेंगे बस। अब हम इसको एकदम अच्छे से लंबा बेलेंगे, देखा ऐसे बेलेंगे, यहाँ कट करेंगे, एक साइज़ का कट करना, यहाँ पे कट करेंगे। उसके बाद तेल जो हम रखेंगे ना उसको एकदम मतलब गरम रखना, ताकि उसके लेयर अच्छे से खुल सकें। अगर तेल थोड़ा भी ठंडा रखोगे तो उसके लेयर अच्छे से नहीं खुलेंगे। देखो मैंने बनाया, देख रहे हो आप कितने अच्छे लेयर दिख रहे हैं ना, बहुत ही क्रंची और यम्मी बना था। यहाँ पे ये मैंने गोल कटोरी से मैंने कट किया था इसको, राउंड वाले बनाए थे मैंने, थोड़े ही बनाए थे ये, मुझे वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने वो वाले ज़्यादा बनाए। ये वाले बहुत ही क्रंची और यम्मी बनाई, ये हेल्दी है क्योंकि हमने इसको आटे से बनाया, मैदे से नहीं बनाना है। आप भी बनाना, ट्राई करना, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हमने सारा तल लिया है, ये हमने तल लिया है, हो गया। ये देखिए अभी रेडी है। अब इसको चाय के साथ एंजॉय करो, दही के साथ करो, सबके साथ अच्छा लगता है। तो देख रहे हो आप, ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही अच्छा बना है और मस्त टेस्ट है इसका। अब देखो ये मैंने पूरा तल लिया है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बहुत ही मस्त बना। चाय के साथ इसको एंजॉय करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।